नमस्कार दोस्तों, हाय गाइस। मतलब मेरा नाम है मोनिका, जो लोग नए हैं उनको बता देती हूँ। ऑल्सो पजामा गर्ल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सोचा तो था कि इंग्लिश में इंट्रो दूंगी जैसे लोग देते हैं, हेलो गाइस और ये वो, पर मैं ना वीडियो रेगुलर बनाती नहीं हूँ तो फिर मुझे पता नहीं होता कि क्या बोलना है, और फिर ये अपना सही है सीधा सरल के नमस्ते कर लो सभी को। तो यार वीडियो बनाने की कोशिश जो है काफ़ी सालों से की जा रही है पर हो नहीं पा रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। पर इस बार मैंने ठान लिया कि मैं वीडियो करूँगी, अदरवाइज मुझे मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, बिकॉज मास कॉम किया ये जो भी है यार, बाद में बताऊंगी ये सब रोना। बट आपको वीडियो के टाइटल और उससे पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में। आपकी वजह से मैंने पंखा नहीं चला रखा है क्योंकि आवाज़ अच्छी आई मेरी। मैंने अपनी मम्मी की बहुत पुरानी वॉच पहन रखी है जो चल नहीं रही है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ऐसी पहन के देख रही थी मैं और फिर मैं वीडियो बनाने लग गई। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो यार, लोगों का मोनेटाइज होते ही ना पहला वीडियो आ जाता है चैनल के ऊपर कि गॉड यूट्यूब पेमेंट, पैसा ही पैसा एंड ऑल। और बनानी भी चाहिए यार, क्यों नहीं बनाई जाए। और मुझे देखो यहाँ करोड़पति हो गई मैं, तो भी मैंने नहीं बनाई है। सब खरीद लिया यूट्यूब का। यस, सब कुछ, ये सब यूट्यूब का देन है, चेन वेन सब खरीद ली मैंने। सो जोक्स अपार्ट, मेरे को बहुत टाइम पहले मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई थी, फर्स्ट आ गई थी, सेकंड आ गई, और कई सारी पेमेंट्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। पहली ही इतने महीने बाद आई थी कि वो इतनी ज़्यादा लग रही थी इसलिए। सो मैं अभी से सबको लालच, मतलब सब कुछ नहीं बताऊंगी वरना तुम मेरी वीडियो क्यों देखोगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यार देखो, मैं फॉर्मल वे में आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी कि मैंने कितने महीने में किया ये किया, सबको पता होता है सब कुछ। आप मेरी जाके वीडियो देख लो फर्स्ट। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा पता लग जाएगा, जो लोग शायद मे बी नया बनाए यूट्यूब तो उनके लिए थोड़ी यू नो इट्स गुड। मैं भी देखती थी पहले। तो सबसे पहले कि यार मैंने ना यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे हमेशा से मेन स्ट्रीम में जाना था, न्यूज़ चैनल वगैरह में। वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे डिजिटल में ज़्यादा बेटर लगा मेरा करियर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे करके अपना सपना पूरा किया जाए। स्टोरीज के लिए चैनल बनाया था, फिर कोविड आ गया तो स्टोरी बन नहीं पाई। सच बात यह है कि मैंने ट्राई नहीं किया उसके बाद, क्योंकि पता नहीं, मैं भी तुम में से एक ही हूँ। सोफे में बैठ के लैपटॉप लेके दिन भर काम कर लेती हूँ, 8 घंटे का काम 12-20 घंटे में कर लेती हूँ, यही चलता है मेरा। पर फाइनली हम आ गए पॉइंट। तो यार बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने क्राइसिस में बायजूस ज्वाइन किया था, उसका एक वीडियो मेरा वायरल हो गया था, उसकी वजह से ही देखा जाए तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। अदरवाइज मैंने 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है भाई आपके चैनल को मोनेटाइज होने के लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने नहीं सोचा था कभी कि ऐसा हो जाएगा। मतलब मैं दूसरों को देखती थी तो मैं कहती थी कुछ तो गड़बड़ है भाई। मेरा भाई मुझे बहुत बोलता था बना ले बना ले, मैंने कहा नहीं हो नहीं पाएगा, अपने से नहीं होगा। एक तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है कि मेरे साथ कोई हो तो मैं शायद अच्छा कर जाऊंगी, ये वाली दिक्कत भी बहुत ज्यादा है। मतलब सबको होती है भाई, बहुत गर्मी है। हाँ तो बात, एसी लगवा दो भैया, पैसा आ रहा है आपका यूट्यूब से, सब्सक्राइब कर लेना भैया, तो एसी भी लग जाएगा। ट्राईपॉड आ गया वैसे फाइनली। सो यार गर्मी हो रही है तो मैंने यहाँ पे फैन ऑन कर रखा है, तो मे बी आवाज़ आ रही होगी ऑब्वियसली, तो प्लीज़ थोड़ा सा हैंडल कर लेना। हो चाहिए स्टूल बीच में आ रहा है तो हम इसको साइड कर देते हैं, वैसे वो मैं अच्छा लग रहा था मतलब। ओके सो आई वॉज टेलिंग यू कि मेरा जो मोनिटाइजेशन हुआ था यूट्यूब का, वो डिफरेंट था बाकी लोगों से। बाकी लोगों का क्या होता है कि बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, आईडीज देनी होती है, अकाउंट्स वगैरह देने होते हैं, आपको एक आपके पोस्टल पे एक कोड आता है और उसको आप कोड से आप वेरीफाई करते हो, एंड देन आपका जो भी मनी होता है वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाता है एवरी मंथ जो भी है, और लास्ट का जितना भी आपका एडिट हुआ होता है मोनिटाइज होने के बाद से। मेरे टाइम पे हुआ कि मैंने अपनी आईडी से जब किया तो वो हुआ ही नहीं। ओके सो मेरे पैन नंबर से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ये हमेशा होता है। आई डोंट नो कि मोनिका के साथ कोई प्रॉब्लम है या बाकी मोनिका के साथ भी ऐसा होता है, लेट मी नो अगर कोई देख रहा हो मेरे नाम वाला इंसान। सो मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मेरी आईडीज में सिंगल नेम है, तो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि वो हो नहीं पाता है, प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं। बट फाइनली मेरे वोटर आईडी में नाम चेंज हो गया है, तो लेट्स सी सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। ओके तो उसके बाद से मेरे भाई मतलब हर्ष के आईडी से हम लोगों ने अप्लाई किया, फिर भी पोस्टल पे आ ही नहीं रहा था बिकॉज हमारा होम टाउन का पोस्टल था, तो उस पर बहुत बार चेक कराया पोस्ट ऑफिस में भी, कहीं कुछ नहीं आ रहा था। सो हम लोग शादी अटेंड करने गए थे वहीं पे होम टाउन, एंड इट वाज फैब, और इट वाज फैब दिक्कत हो जाती है बोलने में मुझे। हाँ तो फेब्रवरी का महीना था यार, 2-3 महीने ऑलरेडी हो गए थे मोनेटाइज हुए, फिर भी हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, और फिर हमारे पास आया कि दिस इज़ योर लास्ट चांस टू यू नो, इसके बाद नहीं होगा। तो मैं पहले डर नहीं रही थी, पर जब मुझे अमाउंट पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि यार क्या होगा, और ऑल्सो ये अमाउंट रियली में आएगा मेरे पास बिकॉज मतलब यूट्यूब की वजह से, तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो इट वॉज लास्ट डे हम शादी अटेंड करके आ रहे थे, उससे पहले हम एक दो बार पोस्ट ऑफिस भी होके आ गए कि यार बता दो व्हाट्स द सीन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, पर वहाँ पे कुछ भी पता नहीं था बिकॉज ऑफ इलेक्शन, सब बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो फिर उस
दिन हमारे घर में पूजा थी, सत्यनारायण भगवान की कथा थी, एंड लिटरली मीन्स इट वॉज अ मिरेकल. मतलब वो एक मैजिक था कि सब कुछ हो गया था. एंड गेस वॉट, मेरा जो एडसेंस अप्रूव, जो मतलब मनी ट्रांसफ़र के लिए जो वेरिफिकेशन हुआ, वो विदाउट एनी पोस्टल पे कुछ आए बिना हुआ. मतलब ऑनलाइन डिजिटल. एंड मुझे नहीं पता और लोगों का ऐसा होता है कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही प्रोसीजर होता है, वो ये होता है कि आपके पोस्टल पे कोड आता है, फिर आप उस कोड को डालते हो, फिर जाके वेरिफिकेशन होता है. बट उन्होंने मुझे डिजिटल वेरिफिकेशन दे दिया कि ओके, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हम यहाँ से आपका ये अप्रूव कर देते हैं ऑनलाइन ही. सो ओके, सो वहाँ पे अप्रूव हो गया था, एंड इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी डे. आई वॉज सो शॉक्ड, हैप्पी. बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि यार इज़ इट लाइक रियल. सो उस दिन से मुझे लगा कि यार दिस इज़ समथिंग, यू नो, अ पर्सन कैन परस्यू यूट्यूब में भी एक करियर हो सकता है अगर आप डेडिकेटेडली बनाओ. बट अगेन प्रॉब्लम मेरे साथ ये आ जाती है कि मैं कभी भी कुछ भी ऐवे ही पोस्ट नहीं करना चाहती. आई ऑलवेज थिंक अ लॉट कि यार कुछ अच्छा पोस्ट करूँगी तो ही तो मैं आगे जाऊँगी, तो या फिर मैं इस डायरेक्शन में क्यों जाऊँ या उस डायरेक्शन में क्यों जाऊँ. सो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. मोनेटाइज पेमेंट आ गया है, इसी बात पर पानी पी लेती हूँ मैं. कांच का ग्लास नहीं तो यूज़ करते हैं शेक वगैरह के लिए करते हैं, पानी के लिए नहीं, क्योंकि किसी को मानना वानना पड़ जाए तो यू नो टूटता नहीं है. हाँ तो यार, जैसे कि आपको पता चल गया कि मोनेटाइज हो गया था, उसके बाद पेमेंट आना शुरू हो गई थी, अप्रूवल हो गया था, खुशी तो बहुत हुई थी. और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे घर वाले यकीन नहीं कर रहे थे कि बोल कर चीज़ों को, सिर्फ बोल के, क्योंकि मैं बचपन से बोलती थी और मुझे यूट्यूब जब से करना था, जब से शायद मुझे यूट्यूब के बारे में चीज़ें पता भी नहीं थी. बट पता नहीं कभी क्यों नहीं किया, और कभी हमेशा कंटिन्यूस नहीं रही, क्योंकि जो हमारी जो इंसान की फितरत होती है कि वो सोचता रहता है जो भी है. पर जब सच में पहला पेमेंट आया था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी. ऑल्सो वो रुका हुआ पेमेंट था कई महीनों का, तो वो अच्छा खासा अमाउंट था, तो लगा कि यार ये तो रियल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा वाला. मतलब रियल फील नहीं हुआ था फ्रेंकली. सो इससे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पता चली कि अगर इंसान मेहनत करे, और मतलब किसी भी कोई भी चीज़ आप जानते हो, उसको आप एज अ यूट्यूब पर साइड में स्टार्ट करते हो, तो आपको वो कहीं ना कहीं तो ले जाएगा, कुछ सिखा देगा, मोनेटाइज होगा थोड़े टाइम में, नहीं भी होगा तो आप बहुत चीज़ें सीख जाओगे. होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पेमेंट बार बार आता रहे, बट यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ. एंड एट दी एंड अगर आपको पसंद है, अभी तो मतलब यूट्यूब बहुत कॉमन हो गया. जब मैंने स्टार्ट किया था तो यह मुझे करना था, वो इसलिए करना था क्योंकि मुझे हमेशा से मीडिया को लेके एक एक्टिव रहना था किसी न किसी चीज़ के वे में, कि स्टोरी बनाऊंगी मैं या फिर कुछ अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ बनाऊंगी, ये था मतलब मेरा. बट यू नो अभी तो सब बना रहे हैं और सब कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो एज अ अर्निंग सोर्स भी ऑब्वियसली बात है किसको बुरा लगता है अगर एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आते हैं. लेकिन सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस चीज़ को करने में, तो दैट्स द बेस्ट थिंग. एंड यू आर योर ओन बॉस. जो लोग दूसरे बोलते हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी यहाँ पे, कोट्स वगैरह नहीं बोलूँगी, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे दूसरे लोगों को पता चले कि अगर मतलब किसी का भी ऐसे रुका हुआ है जो नहीं हो रहा है, मतलब अप्रूव नहीं हो रहा है, तो ये ट्राई कर सकते हो आप. हेल्प यूट्यूब में हेल्प करके जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और डिजिटली आप अप्रूव करा सकते हो अपना एडसेंस. ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, मतलब ये तो बोलना ही चाहिए. एंड सेकेंडली, आप में से कोई भी मेरे जैसा है जो कुछ अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा नहीं तो पहले बुरा बना लो, मतलब मेरी तरह वेट मत करो, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक अलॉट. ये वीडियो भी शायद जल्दी पोस्ट हो जाएगा, मतलब मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं कल ही पोस्ट कर दूंगी, बट नहीं करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. मुझे लगता है अभी के लिए ये बहुत है. तो इस कुछ इस तरीके से मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ, एडसेंस अप्रूव हुआ, देन आई गॉट द मनी. एंड अब उस पैसे का क्या करना है, अभी तक किया नहीं है, अब किया जाएगा. बिकॉज मतलब हम ऐसे नहीं करते कि वो पैसा अलग से निकालना है. वो हर्ष के पास पैसे हैं तो वो शायद हैं भी नहीं भी है कुछ नहीं पता. एंड मतलब अच्छा है सब कुछ. एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मुझे लगता है ये इतना ही रहना चाहिए. एंड बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो एडसेंस से रिलेटेड. सो लेट मी नो एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. मैं बस देख रहा हूँ कितना बढ़िया लग रहा है. अरे यार ठीक है यार, वीडियो बना लेते भाई, वीडियो कट कट कट.